हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक है, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं किधर आ गया, तुर्की का संडे बाज़ार आ गया। ओबियसली मैंने पाकिस्तान में एवरी संडे संडे बाज़ार और इतवार बाज़ार में जा रहा था। अभी मैंने आप लोगों का तुर्की का संडे बाज़ार दिखा देती हूँ और प्राइजेस दिखा देती हूँ। पाकिस्तान से प्राइजेस भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं और इधर की इतवार बाज़ार में क्या मिलती है, साफ़ है और गंदा है, हम सारी देखेंगे। और नॉर्मली इन तुर्की में अगर हमारी थोड़ी सी सब्ज़ी और फ्रूट का शॉपिंग्स होते हैं ना, वो हमारी अब्बू संडेज में कर देती है। मोस्टली माई मोम नेवर गो फॉर दिस शॉपिंग। मैं भी आज आप लोग के लिए आया। अगर आप लोग मुझे जानती हैं, मैं संडे बाज़ार को, इतवार बाज़ार को लोकल आई एम फैन ऑफ लोकल बाज़ार एंड आई नो आई विल जस्ट फॉलो इन लव विद दिस बाज़ार टू। मैंने पहले ये जो बाज़ार फिर नहीं आया था, पहली दफ़ा मैं भी आ रही हूँ। और आप भी आ जाए, तुर्की की बाज़ार कैसे होते हैं हम सब लोग अभी देखेंगे। अभी ये बाज़ार की स्टार्टिंग्स हैं। ओबियसली सब्ज़ी में शुरू हो गया, सब्ज़ी और फ्रूट्स एंड एप्पल 6 तुर्किश लिरा का है, पाकिस्तानी 120 120 ऑरेंज 140 रुपए का है। बनाना इधर काफ़ी ज़्यादा महंगा है और इसका एक केजी यू नो 300 रुपए का बनती है। ही सेइंग मुझे भी ले ले वीडियो में। उसने कहा मेरी भी वीडियो कैसे अभी ऐसे टमाटर कुकुम्बर लेमन। यार शायद मैंने तुर्की में भी बाज़ार काफ़ी ज़्यादा हो गया नहीं आया ना, इधर भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया सारे प्राइजेस। अच्छा आलू का 5 केजी 10 तुर्किश लिरा का है, वो भी अराउंड 100 पाकिस्तानी रुपए बनती है। एक्चुअली बाज़ार की एंडिंग्स है ना, ठीक है। बाज़ार की सारी राश अभी इधर से शुरू होती है और इधर फिश मिलती है, शायद नहीं, ये फिश है। प्राइजेस भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, इट्स नॉर्मल। लाइक 5 तुर्किश लिरा का है, इसका एक ही पीस 100 पाकिस्तानी रुपए बनती है। और इधर भी सब्ज़ी मिलती है, आप लोग देख सकती हैं, लोग इतना ज़्यादा साफ़ कर देती है, इतना ज़्यादा वो केयर करती है कि वो एक भी दस नहीं आती है ना, कोई भी वो लोग नीचे से ही नहीं करती है कुछ भी। ऐसे छोटी गरी होती है ना, इसके अंदर ब्रेक सेल होती है, वो आप सोच ले कि समोसा है लेकिन इसका डिज़ाइन डिफरेंट है। ये तो ओलिव्स है, ठीक है। तुर्की में सारी नाश्ता में हम ओलिव्स खाती है और इसका ग्रीन ओलिव्स होती है और ब्लैक ओलिव्स है, इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप ओलिव्स है। और ओबियसली अंडा प्लस ये तो चीज़ है और हमारी नाश्ते में चीज़ तो ज़रूरी होने चाहिए। ऐसा दिखा देती हूँ मैं आपको, ये तो हलवा है, तुर्की हलवा एंड देर इज़ 1 1 2 3 4 5 6 7 टाइप ऑफ चीज़ है, सारी का सारी यू नो टेस्ट पे अलग है। इधर ही सॉक्स मिलती हैं, शायद अभी विंटर भी आ गया ना, मुझे भी सॉक्स और
स्लीपर्स चाहिए, मैं अभी उसके लिए ढूंढ देती हूँ। अच्छा मैंने क्या कहा था मेरी इछला वीडियो में, टमाटर का 1 kg 200 रुपये से कुछ हो गया, इधर भी कितने का हो गया, अच्छा 1 टमाटर का 1 kg 100 रुपये का हो गया, लेकिन टमाटर तो अच्छा लगते हैं ना। शायद सेब का केजी थोड़ा सा सस्ता है, ये 60 रुपए का है। और मुझे क्या मिला, मुझे स्मित मिला, वो हम शायद सुबह और शाम तक बस हम स्मित खाती हैं, और बाज़ार में बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो सेलर्स होते हैं ना, उनके लिए मोस्टली वो लोग लेती हैं। आपको भी देख सकते हैं ना, इधर काफ़ी ज़्यादा मैन से वुमेन है क्योंकि मोस्टली दे आर कमिंग बाजार। अच्छा एक और जगह सी, ये तो सारी जगह में चीज़ है, वी आर फैन ऑफ चीज़, ओलिव्स। मैं मेरे दोस्त के लिए चीज़ लिया, ओलिव्स लिया, उनका थोड़ा सा यू नो अजीब लगा, उन्हें पहनावे, ये तुलुम का चीज़ है एक्चुअली, मेरी अम्मी भी बना देती है, इनका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होती है। पाकिस्तान में ओबिस आप लोगों का टेस्ट अभी तक डेवलप नहीं हुआ, बट हमारी हो गया इसलिए। ये भी थोड़ा सा यू नो पत्ती है समोसे बनाने और बोरेक बनाने के लिए। बाजार की एक साइड में सब्जी और वेजिटेबल्स होती है, और दूसरा साइड भी बस कपड़े और सॉक्स, स्लीपर्स, शूज, और घर के लिए अगर कुछ लेना होगा ऐसे ही चीज़ होती है। अभी मैंने इधर एंटर हो गया, मुझे भी कुछ ज़रूरत है मैं वो भी देख देती हूँ। आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही शोर भी है इधर। एक्चुअली एक ऐसे स्टॉल मैंने मिला, इसमें ड्राई फ्रूट्स होती हैं और ड्राई ग्रेप्स, डेट्स, इधर से स्पाइसेस मिलती हैं, ये दीज आर द कैंडीज एंड आई एम 100% श्योर मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी पीपल डजंट नो, और इंडियन पीपल दे डोंट नो व्हाट इज दिस, दिस इज चेकीर डेक एंड टर्किश पीपल्स आर फैन ऑफ दिस वन एंड दीज आर द यू नो गोफ्रेट्स, हम गोफ्रेट कहते हैं, इट्स गोफ्रेट सेम चीज़ है, एंड दे दीज आर द यू नो कुकीज, डिफरेंट फ्लेवर्स आपको मिलेगा। इधर भी कपड़ेज मिलती हैं बच्चे के लिए, एक्चुअली यू नो अकॉर्डिंग नॉट द ब्रांड आई मोस्टली चूज द दिस वन लोकल बाजार्स। ये अंकल भी ऐसे कॉफी सेल करती है, और अच्छा मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी दिखा देती हूँ, ये स्पाइसीज है लेकिन दीज आर द अचार, दीज आर द तुर्किश अचार एंड ऑयली नहीं है, और फॉर एग्जांपल ऑयल नहीं मिलता है, दिस इज द मिक्स अचार एंड दिस इज द यू नो कुकम्बर वन। मोस्टली हम एक्चुअली अचार मोस्टली यू नो तुर्की में विंटर्स में हम बना देती हैं, उसका बनाना अराउंड 4 or 5 महीना लगती है, ऐसे ही कपड़ेज मिलते हैं, दीज आर द स्कार्फ्स। ये भी इधर लोकल शूज़ मिलती है एंड स्लीपर्स मिलती हैं, इसका प्राइस मैं अभी पूछ देती हूँ, लेकिन इतना महंगा नहीं है ऑब्वियसली।
वो बहीर में पठान वाले लोग भी ऐसे शूज़ सेल करते हैं ना, क्योंकि मैं भी ऐसे बहीर से वो कॉपी शूज सेल होती है। एंड अंकल भी इधर ग्रीन टी सेल करते हैं। एक्चुअली पाकिस्तान में ये नहीं मिलेगा, हम इसको खेस्ताने कहते हैं। इन विंटर्स हम यही खाते हैं, बॉइल भी कर देती है और आग के ऊपर भी लगाकर हम ये खाते हैं। और पाकिस्तान में एक ही चीज़ भी इसकी जैसे, वो थोड़ा सा ब्लैक वाला होता है ना, इसके अंदर वाइट चीज़ है यार, मुझे उसका नाम नहीं पता, उसकी जैसे है बिल्कुल। एंड दीज आर द पेस्ट, टोमेटो पेस्ट, और दिस इज द जैम, अगेन द चीज़, देर इज मेनी टाइप ऑफ चीज़ आपको मिलेगा। लोग मुझे ऐसे क्यों देखती है। एंड दीज आर द मेकअप का चीज़ है, और एक्चुअली मोस्टली आई डोंट डू मेकअप, दैट्स व्हाई आई डोंट हैव इंटरेस्ट। मोस्टली इधर सेलर्स होता है ना, ये सारी मैन है, वो वुमेन नहीं मिलेगा ऐसे लोकल बाजार्स में। आवाज़ भी देखा ऐसे ही उन्होंने बस आवाज़। ये अनार, अनार का एक केजी 80 रुपए का है। यस, एक्चुअली ना पाकिस्तान में आप लोग इस फ्रूट में क्या नाम देती है मुझे नहीं पता, ताकि मैंने आया पाकिस्तान में ये फ्रूट, मेरी मियाँ भी उसके नाम को नहीं पता था, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड आई एम फैन ऑफ दिस फ्रूट, हम इसको आइवा कहते हैं, और पाकिस्तान में आप लोग इसमें क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। सारी वुमन्स भी इधर आ गए, शायद किचन का स्टाफ का सेल होते हैं ना, मैं भी देख लेती हूँ क्या सेल होती है इधर। जस्ट वुमन्स आर देयर, लेट्स गो। एक्चुअली शायद पाकिस्तान में ऐसे छोटी छोटी फिश नहीं है ना, हम इसको हमसी कहती हैं, और काफ़ी भी महंगा है भी। इधर ही कपड़े, यार बनाना बहुत ही महंगा है तुर्की में, पाकिस्तान में इट्स काइंड ऑफ फ्री, बट इधर बहुत ही महंगा है। ब्रोकोली, वो ब्रोकोली में आ गया, इसका एक केजी 60 रुपए का है, बट ये तो नहीं, ये भी ब्रोकोली, ये 7 तुर्किश लिरा का है, ये 3 तुर्किश लिरा का है, ये भी महंगा है। बी किलो में ये दे इंद्रिम 1.5 किलो 10 लिरा। हाँ अच्छा है। एंड ये आंटी भी इधर से छोटी छोटी यू नो स्पाइसी सेल करती हैं। ये तो ब्लैक पेपर है, ये रेड चिली है। अच्छा एक और चीज़ भी दिखा देती हूँ, मोस्टली तुर्की में ये हमारी अम्मी और ननबू ऐसे हैंड में यही चीज़ बना देती है, और ये भी लड़की का जहेज होता है, और लड़की की जहेज में ये चीज़ हैंड मेड है, ये हम यही दे देती है, स्कार्फ दे देती है, और देर इज जस्ट अंदाज। अभी मैं वीडियो इधर से एंड करना चाहती हूँ, ओबियसली बाज़ार की शुरू से एंड तक मैंने आप लोगों को सारी चीज़ दिखा दिया। अभी इधर कोई लोग नहीं है, इससे मैं मास्क इससे उतरना चाहती हूँ। तुर्की में बहुत ही ज़्यादा अभी स्ट्रिक्टनेस है ये मास्क की वजह से,
इससे पुलिस अगर देखते ना वो तो पैसा लेती है लोगों से। और अभी डेली 30,000 केस भी आ गया, शायद लॉकडाउन होने वाली है स्पेशली इस्तांबुल में। और अगर आप लोगों ने तो इस्तांबुल आए और तुर्की आ शॉपिंग करना चाहती है, मैं आप लोगों को ऑब्वियसली ऐसे लोकल बाज़ार को प्रेफर कर देती हूँ। बहुत ही फ्रेश भी होती है, पुलिस आ गया, बहुत फ्रेश भी होती है और बहुत सस्ता भी होती है। अभी मैं ये वीडियो इधर एंड कर देती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, जस्ट यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। वन मोर थिंग फॉर द न्यू न्यूज़, यू कैन फॉलो मी फ्रॉम इंस्टाग्राम। I will just mention here turkian.pk. And one more news I want to give you, actually I am starting to give Turkish classes in online, and who is in Turkey and from the academy I will start to give my lecture in about Turkish language. About that I will give you detail on YouTube. I will make it proper detail for the Turkish classes. And khuda hafiz aap sab log, khayal rakhna.